मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे, ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्, आविर आविर्म एधि वेदस्य माणिस्थ, श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन, अहो रात्रान संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद का ऐत्रेय आरण्यक के अंतर्गत तीन अध्याय का यह उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद इतरा के पुत्र महीदास नाम के महापुरुष इस उपनिषद की ऋचाओं के मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऐत्रेय उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ एक बार चित्त में ला लो, बार बार सुने हुए हो। हाँ, उप नी और शद, उप माने समीप। इस ग्रंथ में आएंगे, इसी में हमारा अनुबंध चतुष्टय है। अगर हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे इस ग्रंथ के बताए अनुसार, तो जो सबसे समीप है, समीप से भी समीप है, उस तत्व का हमको बोध होगा, इसलिए है उप। अब हमसे पृथक वाले वस्तु का ज्ञान इसमें नहीं है, अहम से दूर अगर कोई वस्तु है तो उसका ज्ञान इसमें नहीं है, इसमें सीधे उस तत्व का बोध है जो समीप से समीप है। अब कौन सी चीज़ समीप से समीपतम है, हम उसका विचार कर सकते हैं। संसार में शरीर है हमारे सबसे समीप, शरीर से और समीप इंद्रियां हैं, उससे और समीप हमारा मन है, उससे और समीप हमारी बुद्धि है, उससे और समीप हमारा अहम है, जीवत्व है, उसके और भीतर जो सबसे समीप है उस तत्व का बोध है। नी का अर्थ निश्चयात्मिका, ऐसा ज्ञान होगा जिसमें कोई संशय नहीं होगा, निसंशय पूर्वक, बिल्कुल संदेह रहित, संशय विपर्य से रहित उस तत्व का बोध होगा। और सद का तीन अर्थ बताया, अवसादन गति और विसरण, हमारी हृदय की ग्रंथियों को ढीला करता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, और अंत में हमारी अविद्या कामना और कर्म की ग्रंथि का नष्ट कर देता है, विसरण कर देता है, इसलिए इसका नाम हुआ उपनिषद। एक लगभग हर जगह पर याद रखना चाहिए जब जब उपनिषद शब्द आए कि उपनिषद मतलब क्या है। हाँ, तो अपने समीप आत्मस्वरूप का ज्ञान है, संशय विपर्य से रहित आत्मस्वरूप का ज्ञान है, और आत्मस्वरूप के ज्ञान के साथ पहले हमारे चित्त की ग्रंथियों को
गांठों को ढीला करता है, जीव को परमात्मा की तरफ आगे बढ़ाता है और अंत में हमारे भीतर की समस्त समस्याओं का उच्छेद कर देता है। इसलिए इसका नाम है उपनिषद। सभी उपनिषदों का प्रारंभ एक शांति मंत्र से होता है। हमारे वेद में 10 शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध हैं और ये शांति मंत्र हमारे ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का शांति मंत्र जैसे आप लोग पढ़ते हो, सहना भवतु, ओम पूर्णमदः, ओम सन्नो मित्र संवरुणः, ये यजुर्वेद का शांति मंत्र है। भद्रम करणे भी श्रुणयाम देवाः, ये अथर्ववेद का शांति मंत्र है। फिर आप्यायन्तु ममांगानि, वो सामवेद का शांति मंत्र है। तो 10 शांति मंत्र हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। एक शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, हम लोगों को बहुत प्रिय था, उसमें भोजन का खास तौर पर उसमें वर्णन है। वो है कि हमारा शरीर ठीक ठाक होए। वो है तैतरीय उपनिषद का शांति मंत्र है। तैतरीय उपनिषद का, यजुर्वेद का शांति मंत्र है। 10 शांति मंत्र में उसकी गिनती है, लेकिन उसमें हमारे शरीर के साथ बहुत बढ़िया है। ओम यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपा छन्दोभ्यो ध्यामृता संभभूवा इन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम। हाँ, शरसनं जीवा मे मधुमत्तमा करणाम ब्राह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। इसको जब ध्यान से, अभी मैंने पढ़ाया था इसको, तुम लोगों को रटाया था, तो इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है शरीरम में विचर्षणम, जिह्वा में मधुमत्तमा, करणाभ्याम भूरी विश्व, बिल्कुल अपने शरीर के लिए। और हम लोगों के आश्रम में भोजन के समय ये मंत्र हम लोग पढ़ते थे। अब ये सवेरे की क्लास में बता दे रहे हैं, ये वाला इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, शरीरम में विचर्षणम, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक ठाक होवे। अपने कानों से बहुत सुने, खूब सत्संग की बातें सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। हाँ, जिह्वा में वाणी मेरी मधुमत्तमा, शहद लगी हुई होवे, मधुमत्तमा। श्रुतम में गोपाय, जितना सुनो आप भूल ना जाओ, बल्कि अपने भीतर सुरक्षित रख लो, रहस्यमय, जैसे तिजोरी में रख लेते हो। गोपाय, गोपाय माने हाँ, सबको दिखाओ मत और सुरक्षित रख लो, ऐसे जितना सुनते हो अपने भीतर बिल्कुल रख लो। श्रुतम में गोपाय, उसके आगे भी होता है आवहंति वितन्वाना, लेकिन यहीं पर शांति शांति हो जाता है, इतना शांति मंत्र है। तो 10 शांति मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें ऋग्वेद का है ओम वांग में मनस प्रतिष्ठिता। अब जिनके पास है देखते जाना एक एक लाइन पे, हम उसका केवल अनुवाद करते हैं। ओम वांग, हे परमात्मन जो पूरी समष्टि जगत के स्वामी हैं, हमारे भी स्वामी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, उन परमात्मा से गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना करते हैं। अब वही कल्पना है कि एक आचार्य हैं, उनके पास कुछ शिष्य बैठे हैं, कहीं अरण्य का, जंगल का एक घटना है, ऐतरेय अरण्यक का है, और दोनों बैठे हैं और हम स्वाध्याय करना शुरू किए और इतने में कोई शेर आ गया, स्वाध्याय में मन लगेगा नहीं, इतने में ओला पड़ने लगे, बर्फ पड़ने लगे, आपका स्वाध्याय खंडित हो जाएगा, भूकंप आ जावे, आप चाहो भी तो आपका चिंतन में मन नहीं लगेगा। तो हम गुरु और शिष्य दोनों, हमारा ये स्वाध्याय निर्विघ्न हो, हमारा चिंतन साधना निर्विघ्न हो, इसके लिए दोनों बैठ करके साथ प्रार्थना करते हैं। इसलिए इसका नाम है शांति मंत्र। एक गुरु और शिष्य दोनों एक साथ में, हे भगवान, ये समष्टि सारे जगत की परिस्थितियों के नियंता आप हो, समस्त परिस्थितियां आपके कंट्रोल में हैं, तो ऐसी करुणा करिए कि कुछ समय तक हम ऐसा स्वाध्याय चिंतन कर सके। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, किससे, उस
सृष्टि के नियंता से। हे परमेश्वर ओम, हे परमात्मन, वांग में, वांग वांग माने वाणी, मे माने मेरी, हे परमात्मन मेरी वाणी मनसि, सप्तमी विचन, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मनो में वाची, वाची वाची माने वाणी, मन मेरा वाणी में प्रतिष्ठित हो। बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर, एक इतने लाइन जीवन में उतर जाए बहुत बढ़िया, इतनी। हे परमात्मन मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन मेरा मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो, इसका मतलब है सीधा सीधा कि हमारे मन में और व्यवहार में दोहरा व्यक्तित्व न होवे, जैसा मन सोचे वैसा वाणी बोले और जैसी वाणी बोले मन वैसा सोचे, दोनों में एकात्म तो हो जाए, दोनों में एक समरसता हो जाए। अभी क्या है कि मन हमारा सोचता कुछ है और वाणी हमारी बोलती ही कुछ, लगभग पूरे व्यवहार में, सवेरे से शाम तक लगभग व्यवहार में ही होता है कि हम वाणी से कुछ और बोलते हैं और मेरे मन कहता है कि नहीं ये उचित नहीं है, ऐसा बोलना ठीक नहीं था, मेरे मन कहता है इसको ऐसा करूँगा ऐसा बोलूँगा और वाणी वैसा बोलती ही नहीं। हमारे जीवन में इतनी साधना प्रगाढ़ हो जाए, इतनी मेरी साधना प्रगाढ़ हो जाए कि मेरी वाणी और मेरे मन में दो भेद ना रहे बल्कि दोनों एक हो जाएं, जो मैं मन से बोलूं, जो मन से सोचूं वही वाणी से बोलूं और जो बोलूं वही सोचे, इसके अलावा सोचे ना। पूरी तरह से मन पे नियंत्रण की बात है, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा दिन भर मन में तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं सवेरे से शाम तक। अभी एक दिन सत्संग में मैं सुना रहा था, शायद याद होगा, कि हमारे भीतर एक ऐसा वाल लगा हुआ है, नियंत्रण करने की शक्ति है, जैसे पानी पाइप में चलता है तो वाल लगा होता है तो बंद कर देता हूँ मैं, तो ऐसे हमारे मन के भीतर विचारों का अनवरत प्रवाह चल रहा है, तमाम तरह के विचार अच्छे बुरे सब, लेकिन हमारे भीतर एक शक्ति है कि उस शक्ति से हम कंट्रोल करते हैं कि कौन से विचार को वाणी से व्यक्त करना है और कौन से विचार को व्यक्त नहीं करना। मन में चल तो रहा है, तमाम तरह की बातें मन में चल रही है, लेकिन कौन सी बात बोलनी है कौन सी बात नहीं बोलनी है वो हमारे भीतर एक सेंसर हो रहा है, एक शक्ति है जो नियंत्रण में कर रही है। कभी आप देखो घर में टोटी वगैरह में एक वॉशर होता है प्लास्टिक का, अगर जरा सा वो ढीला हो जावे तो पानी फिर टपकता रहता है, ऐसे हमारी ये जो नियंत्रण करने की शक्ति है वाल, गेट वाल, अगर इसमें जरा सा ढीलापन हो जावे धीरे धीरे हमारे मन में जो बात आएगी बिना नियंत्रण के वाणी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, बिना नियंत्रण के, और बिना नियंत्रण के वाणी से निकलना शुरू हो जावे मतलब तुरंत परिवार वाले कहेंगे कुछ ठीक नहीं है, ले चलो नूरे मंजिल, बस इतना है और कुछ नहीं है, बिल्कुल यहीं से शुरुआत हो रही, ले चलो इसको किसी डॉक्टर से इलाज कराओ, हाँ क्योंकि इसका दिमाग अब ठीक नहीं, दिमाग ठीक बिल्कुल है बहुत ठीक है, लेकिन वो जो सेंसरशिप वाली शक्ति है कंट्रोल करने वाली कितनी बात बोलनी है नहीं बोलनी वो ढीला हो रहा है, हाँ वैसे 50% सबका ढीला है, हाँ अब 60 हो जाए तो दवाई की ज़रूरत है, हाँ 70% ढीला हो जावे तो हाँ तो फिर भर्ती हो जाओ, और 80% ढीला हो जावे वो मन में आया पत्थर मारू उठा के मार दिया, अब नहीं समझ में आ रहा है कि माँ है कि पिता है कि भाई है कि बहन है, मन में आया कि अपने सर फोड़ दूँ अपने सर फोड़ लिया, तो बोले अब इसको हथकड़ी बेड़ी में लगा के रखो ये पागल हो गया पूरा, पागल माने ताकत कम नहीं हुई है, पागल माने खाना नहीं खाएगा ऐसी बात नहीं है, खाना खाएगा, आपसे ज़्यादा ताकत पागल में है, एक पागल को 3 आदमी पकड़ के देखो, हाँ मजबूत आदमी, आपसे ज़्यादा शक्ति उसमें है, खाना ज़्यादा खाएगा मस्त बढ़िया रहेगा बेपरवाह रहेगा, लेकिन अब जो भीतर चलेगा वही वो बस अनियंत्रित हो गया तो पागल हो गया,
अभी क्या है, ये स्थिति है कि हमारे भीतर चलता तो है विचार, लेकिन हम उसको कंट्रोल करते हैं कि नहीं, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये बोलना ठीक नहीं है। अब एक ऐसी साधना से स्थिति हो जाए कि एक कंट्रोल करने वाली मशीन की जरूरत ही न पड़े, मतलब एक गेट वाल हटा दो और फिर भी हमारे मन में बिल्कुल संतुलित बात चले और जो चले सो मैं बोलूं, पूरी तरह से मन और वाणी दोनों पर नियंत्रण का यहाँ पर उपदेश है, प्रार्थना है, पूरी तरह से मेरी वाणी पर इतना नियंत्रण हो कि कोई रोकने की जरूरत ना हो और स्वतः ही नियंत्रित हो अपने आप। मेरा मन पर इतना नियंत्रण हो कि मन में अनावश्यक विचार चले ही ना। इसके लिए बहुत समय लगता है साधना में, बहुत समय लगता है साधना में, आसान नहीं है, कहने के लिए भले आसान हो, बहुत समय, सालों साल, दसियों बीसियों साल लगेगा। जब मन पर पूरी तरह से संसार से कटअप होकर के मन के विचारों में पूरी तरह से नियंत्रण की बात आ जाएगी, तब आपके वाणी और मन में एकत्र हो जाएगा। आप भगवान श्री राम का जीवन ले लो, भगवान श्री कृष्ण का जीवन ले लो, उनके वाणी और मन में कोई भेद नहीं है, जो मन में है सो वाणी पर है, जो वाणी में है सोई मन। अगर इतना आता है कि नहीं निशाचरों को मारूंगा, तो फिर ये नहीं कहते कि नहीं बड़ा शीलवान, धर्म का पालन करना, उठा के प्रतिज्ञा उन्होंने कर लिया। अगर मन में आया कि ये व्यक्ति मूर्ख है, बिना दंड दिए नहीं मानेगा, तो कह देते हैं विनय न मानत जलद जड़, गए तीन दिन भी, मन में आया तो बोल देते। वाणी और मन में बिल्कुल एकता है, ये ऋषियों का जीवन है, तपस्वियों का जीवन है, दोहरा व्यक्तित्व ना हो। हे प्रभो, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो। बहुत क्या सुंदर प्रार्थना है महाराज, इतना ही आ जावे तो कितनी साधना आगे बढ़ जावे। हाँ, हम लोगों की साधना का प्रारंभ सब यहाँ से होता है। फिर आगे कहते हैं, आविर आविर मा एधी, आविर आविर मा एधी। अब प्रार्थना तो उसी ओम स्वरूप से है, उस परमात्मा से है, तो माँ मेरे लिए, मेरे लिए, आविर सामने, आविर सामने, हे प्रभु बिल्कुल मेरे सामने एधी प्रकट हो जाओ, जिसको मैं चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपना जीवन लगा रहा हूँ, वो मुझसे छुपा न रहे, हमको अनुभव में आ जावे। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझको लगता है वो दूर है, हमको अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो मेरा स्वरूप, वो मेरा आत्म तत्व, उसकी अनुभूति में कर लूँ, प्रकट हो जाओ। आविर आविर माँ एधी, माँ माने मेरे सामने, मेरे लिए, एधी माने प्रकट होना, मेरे सामने प्रकट हो जाओ, मतलब अनुभव में आ जाए। बहुत सारी चीज़ आँखों से इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हम सब के अनुभव में है। हाँ, वैसे दर्द, दर्द किसी ने देखा नहीं आज तक, दर्द किसी ने देखा नहीं है कि देखा है, हाँ, दर्द किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरे अनुभव की बात है, वो मेरी अनुभूति में आ गया, मैं कह सकता हूँ कि वो दर्द मेरे सामने प्रकट है, मेरे सामने प्रकट है, क्योंकि उसका अनुभव मैं कर रहा हूँ। ऐसे वो परब्रह्म परमात्मा मेरे अनुभव के अंतर्गत आ जाओ, मैं आपका अनुभव कर लूँ, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। वेदस्य माँ आड़ी स्था, वेदस्य, हे भगवान, अब यहाँ पर देखो दोनों चीज़, वाणी और मन, याद रखना, एक प्रार्थना दो लोग कर रहे हैं, गुरु और शिष्य दोनों कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर अब प्रार्थना का रूप थोड़ा बदला है, हे वाणी और मन दोनों के लिए, भो वाणी भो मनहा, मेरे सामने वेद को ले आओ। वेदस्य माँ मेरे लिए आड़िस्था, मेरे सामने वेद भगवान को प्रकट करो, वेद को ले आओ मेरे सामने, कौन, वाणी और मन। अब वाणी और मन का मतलब हुआ कि आचार की वाणी और मेरा मन, हाँ, जब दोनों का आपस में तारतम्य हो जाएगा, तभी हमारे सामने श्रुति का सिद्धांत, वेद का सिद्धांत प्रकट होगा।
मेरे सामने वेदस्य माँ आड़ीस था, वेद भगवान को ले आओ। मतलब हम जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, आचार्य मेरे कल्याण के लिए पढ़ावे और मेरे मन में आकर के वो विराजमान हो जावे, कितनी वो आकर के बैठ जावे। अरे 10 बात सुनते हैं, 2 बैठ जावे तो कितना अच्छा हो जावे, 10 में से 2 बैठ जावे उतने कल्याण हो जाए। वेदस्य माँ आणीस था। अच्छा, फिर अगली प्रार्थना किया, बड़े काम की प्रार्थना है अगली, अगली वाली लाइन सबसे ज्यादा काम की। श्रुतम मे माँ प्रहासी, हे भगवान जितना मैंने श्रवण किया है वो भूले ना। श्रुतम मे माँ प्रहासी, जो मैंने श्रवण किया है ओ मुझको त्यागे ना, मुझसे भूले ना, हमको यादाश्त में बना रहे। सा है ना सबके काम की चीज। ज्यादा तो भूल ही जाते हो। उपनिषद शब्द की व्याख्या 2500 बार तो मैंने सुनाया होगा। उपमाने समीप निमाने निश्चय, और फिर से सुनाना वही पड़ता है, फिर से वही सुनाना पड़ता है, करत करते अभ्यास थे। लेकिन अगर हमारे भीतर वो धारणा शक्ति हो गए तो एक बार श्रवण कर लिया तो एक बार श्रवण करने से वो चीज हमारे मन में पूरी तरह से बैठ जाए। जितना मैंने श्रवण किया वो मेरा त्याग न करे, मुझको यादाश्त में हमेशा बना रहे। श्रुतम में माँ प्रहासी, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा मैंने सुन लिया प्रवचन, हमको याद बनी रहेगी। अब चैन से चलो, थोड़ा निंदा बुराई करूं क्योंकि 1 घंटा सत्संग हो गया, अब थोड़ा हालचाल पूछ लें, स्वामी जी खाना खाए कि नहीं खाए आज। ज्यादातर पता नहीं क्यों स्वामी जी का ज्ञान नहीं, कहाँ गए थे सरोज स्वामी जी हाँ क्योंकि वही साथ होगा, सरोज कहाँ गए थे, वहां चाय मिली कि नहीं मिली, खाना मिला कि नहीं मिला, क्या चिंतन करने लगे आप, चिंतन की वृत्ति कहाँ गई। बोले बहिर्मुखी हो गया चिंतन आपका, आपका देहाकृत चिंतन हो गया। अगली लाइन देखो, अनेना धीतेन आहो रात्रान संदधामी। अनेन अधीतेन, ये जितना मैंने श्रवण किया, जितना मैंने अध्ययन किया, इसी का आहो रात्रान, दिन और रात्र, आह माने दिन, पूरे दिन और पूरे रात्रि इसी का चिंतन करूं। अब हमारी चित्तवृत्ति इसमें लग जावे, जो मैंने चिंतन किया क्या वास्तव में सही था, जितना मैंने श्रवण किया उसमें कितनी बात हमको याद है, घर पे बैठ के थोड़ा सा नोट्स बनाया, एक बार उसको पढ़ लिया, आहो रात्रान, दिन और रात इसी में आपका मन घूमने लगे। वैसे जिससे प्रेम होता है ना, ये जाने अनजाने मन उसी का चिंतन करता है, जिससे भी लगाव होगा, जिससे भी अपनापन होगा, आप ना चाहो तो भी मन वहीं पर जाता है। अगर श्रुति से, शास्त्र से, सत्संग से, अपनी आत्मा से प्रेम हो तो कहना नहीं पड़ेगा कि मन लगाओ, अपने आप जाएगा। किसी ने कभी उपदेश नहीं दिया कि रुपया में मन लगाओ कभी किसी ने, किसी महात्मा ने, किसी शास्त्र ने उपदेश दिया हो? आप 25 साल से सुनते रहो, हमेशा मना किया जाता है, उसका चिंतन मत करो, और मना करने के बाद मन उसी में चला जाएगा। क्यों चला जा रहा है? क्योंकि उससे हमारा लगाव, तो जिससे लगाव होगा, जिसमें एक प्रीति होगी, ये मन अनवरत उसी का चिंतन करता है। जैसे इस जगत में हमारी प्रीति है, ऐसे अपनी आत्मा से हो जाए, सत्संग से हो जाए, श्रवण से हो जाए, शास्त्र से हो जाए, और अहोरात्रान, दिन और रात्र पूरी तरह से हम डूबे रहें इसी के चिंतन में, जगे तो वही विचार आ जावे। और खास करके जब कोई जब प्रवचन वगैरह करना होवे ना, तब देखो तुम लोगों को प्रवचन करना होवे तो 1 घंटा प्रवचन करना, ये हमारी शुरुआती आदत थी, 87, 88, 89, 90 वगैरह तक में 4-5 साल तो पॉइंट्स बनाते थे, तो अब वो 3 घंटा पहले से वही चिंतन कर रहे हैं
फिर उसके बाद 2 घंटा जा करके प्रवचन करके आए। प्रवचन करने के बाद फिर 2 घंटा तक ये मन में चलता है क्या क्या छूट गया, ये बताना चाहिए थे, नहीं बता पाए, ये छूट गया, ये पॉइंट रह गया। अब आपका जो चिंतन है, इसलिए सत्संग आपकी साधना को है। गुरुदेव ने कहा सत्संग को आप साधना मान करके चलो। हाँ, आप केवल ये टाइम पास नहीं है, कुछ नहीं, और ये हम आपको नहीं सुना रहे हैं, बल्कि अगर आप सत्संग कर रहे हो, सुना रहे हो, तो आपकी अपनी साधना है, क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति उसके श्रवण में, उसके चिंतन में लगी हुई है। अभी हमारे एक महात्मा आए ना, याद है, तो जब बिकी सिंह ने पूछा था प्रश्न, तो उन्होंने कहा पहले बता दिए होते तो थोड़ा सा तैयारी करके आते, यही कहा था ना, पहले से तो बताया नहीं था तो थोड़ी तैयारी करके आए होते, मतलब पहले अगर तैयारी कर लूँगा तो मैं तुमको ठीक प्रकार से सुना दूँगा। अब तैयारी करने में भी 2 घंटा लगेगा, आप लोग जब पढ़ाने जाते होंगे तो ऐसे थोड़े, तो वो जैसे आप अपने सब्जेक्ट को, जैसे अपने एक विषय का चिंतन कर रहे हो, ऐसे अपने आत्मस्वरूप का चिंतन हो जावे, अहो रात्रानी, लेटूं तो भी वही चिंतन चलने लगे, जगूं तो भी वही चिंतन चलने लगे, काम करता रहूं तो भी वही चिंतन चलने लगे, एक एक समय पर। अब यहां से जा रहे हो, मन में कोई बात आ जाए, बोलना ठीक नहीं, बगल वाला सुन ले भैया, और तुरंत ऋचा याद आ जावे, वाणी मेरी मन में प्रतिष्ठित हो, मन मेरी ही वाणी, देखो मन में अमुक बात चली थी, ठीक नहीं थी, वो वाणी से बोलने लायक नहीं था, कितना सुंदर हो जाए, अहो रात्रानी संदधामी, इसी विचार का मैं निरंतर चिंतन करूं, और भृंगी कीट के न्याय के जैसे, जैसा चिंतन करोगे वैसा ही आप बन जाओ। हमको अभी एक CD दिया, विदेश में रिसर्च हुई, और रिसर्च करके उसको जो है उन्होंने कुछ बनाया, तो वो आधे घंटे की है, उन्होंने उसका नाम दिया अट्रैक्शन, थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। अब हमारे सब शास्त्र का है और कुछ नहीं है, सब शास्त्र में है। उसका मूल चिंतन है कि आप जैसा चिंतन करते हो, सूक्ष्म जगत के सारे परमाणु आपके चिंतन से आकर्षित होते हैं, जैसे चुंबक रखा हो तो सारे लोहे के कण अपने आप खींच करके उसी तरफ चले आएंगे। तो जैसा आप चिंतन करना शुरू कर दोगे अपने भीतर से, जैसा चिंतन करना शुरू कर दोगे, बाहर की सारी परिस्थितियां वैसी बनने लग जाएंगी, वैसे लोग मिलने लग जाएंगे, और 2-4 दिन के बाद, 2-4 महीने के बाद वैसी घटना आपके जीवन में हो जाएगी। अब पाश्चात्य रिसर्च हो गई, हाँ, अब बिल्कुल जो है ओ ठीक है, बिल्कुल सबने मान लिया। उसको मैंने लैपटॉप में रखा सुरक्षित, दिखाऊंगा कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो। द सीक्रेट उसको कह दिया, रहस्यमयी जी चीजें बता रहा हूं, और आधा 10 मिनट तो ऐसा कि ऐसा रहस्य जिसको किसी ने नहीं जाना आज तक। हाँ, तुमने देखा क्या? हाँ, ऐसा रहस्य जिसको, जैसे TV वाले बनाते हैं, क्या है चिंतन? हमारे ऋषि ने कहा जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन होगा या मती सा परिभव, कौन सा चिंतन? आप अगर ये सोचो धीरे धीरे, एक बैठ करके इतना सोचो कि नहीं एक किताब फट जावे, आप देखना 2-4 दिन के बाद कोई बच्चे उसको फाड़ देगा। आपको पता भी नहीं, आप दोष दोगे बच्चे का, लेकिन दोष कहां पर है? आपके मन के चिंतन का। हम चिंतन करने लगते हैं, मैं खराब हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं खराब हूँ, मेरा मैं दुखी हूँ, मैं खराब हूँ, तो खराब हो गई आप, वैसी परिस्थिति बन जाएगी। ऋषि क्या करें, आप चिंतन करो मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसी का नाम निधिध्यासन है ना, निधिध्यासन माने सजाती वृत्ति, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप हूँ। आप चिंतन करने लगोगे दिन रात, तो वैसे आपका जीवन भी बन जाओगे। अहो रात्रान संत धामी, अगला शब्द ऋतम बदिश्यामी, मैं ऋत बोलूं,
फिर आगे है सत्यम वदिष्यामि, ये कई शांति मंत्रों में रिपीट है, कई शांति मंत्रों में बात है, रितम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, भविष्य काल में है, क्योंकि वदिष्यामि ये भविष्य काल में है, वदामि वर्तमान काल में, हाँ है ना, समझ में आया होगा, वर्तमान काल में अभी बोल रहा हूँ, या वदिष्यामि आगे बोलूँगा। तो यहाँ ऋषि कह रहा है कि आज तक मैंने जैसा किया होगा, हे नारायण आप माफ़ करना, जो 40 साल 50 साल के जीवन में मैंने किया, अब उसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं, गारंटी तो इतना नहीं ले सकता कि मैंने क्या किया, लेकिन आज से मैं निश्चय करता हूँ भविष्य के लिए वदिष्यामि कि आज से मैं अभी से इस क्षण से आगे मैं ऋतम बोलूँगा सत्यम बोलूँगा। दो शब्द है, दोनों का वैसे अगर आप संस्कृत भाषा की डिक्शनरी उठाएंगे तो एक ही अर्थ है, हाँ डिक्शनरी में रितम और सत्यम का एक ही अर्थ है, सत्य बोलूँगा सत्य बोलूँगा, लेकिन दो प्रकार का सत्य है, एक सत्य है जो बदल जाता है परिवर्तनीय सत्य, और एक सत्य है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता उसको हम कहते हैं रितम, और जो बदल जाता है लेकिन सत्य है उसको हम कहते हैं सत्य। अब दृष्टांत दूं तो स्पष्ट होना चाहिए, मैं जिंदा हूं ये सत्य है कि नहीं, हाँ रितम नहीं है, हाँ रितम नहीं है, क्योंकि अभी कोई तलवार से गर्दन काट देवे तो मर गए, हाँ नहीं तो, मैं देख रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं देख रहा हूं सत्य है, रितम नहीं। अच्छा रितम क्या है, एक शब्द कहो, सारी सृष्टि परिवर्तनशील है, सब मर जाओगे, हाँ? जो जो पैदा हुए सब मर जाएगा, बताओ ए काट के दिखाओ इसको, अच्छा जितने प्राणी पैदा हुए हैं हम सबका जीवन पृथ्वी जल अग्नि वायु सूर्य देवता की कृपा से चल रहा है, काटो इसको कभी बदले, हाँ? सूर्य देवता कृपा ना करें जीवन नहीं चलेगा, पृथ्वी देवता कृपा ना करें अन्न नहीं मिलेगा, जल की कृपा ना हो शरीर में 70% जल है जीवन नहीं चलेगा, अग्नि कृपा ना करें तो आपका शरीर ठंडा हो गया मर गए, वायु कृपा ना करें महाराज 10 मिनट 5 मिनट तो राम नाम सत्य, तो जितना जीवन चल रहा है पृथ्वी जल अग्नि वायु और सूर्य की कृपा से, बताओ अब इसको कोई काट सकते हैं, ये हो गया रितम, रितम माने जो कभी बदले ना, मैं वो सत्य बोलूं जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, और व्यवहार काल में बोलचाल में ऐसा बोलूं कि जो बिल्कुल सत्य ही हो वे। इस समय कितने बजे, 8:30, हाँ ये रित है कि सत्य, हाँ देखो रितम नहीं है क्योंकि अभी 2-4 मिनट के बाद में समय बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, ये सत्यम है, ये सत्यम है, लेकिन मैं कह दूं कि सारा का सारा समय मेरे अहम के ऊपर कल्पित है, जब मैं होता हूं तो समय का बोध होता है, ये काल का अधिष्ठान मैं हूं, है ना, काल का अधिष्ठान अहम है, क्योंकि जब मैं होता हूं पहले मैं हूं तब भूत वर्तमान और भविष्य की कल्पना होती है, ये हो गया रितम, रितम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, तान यहाँ तन में तत है, ता का ना हो गया है, तात मा आवतु, तत तत माने वो, नपुंसकलिंग में तत्ते तानी नपुंसकलिंग में, जब कभी हमको उस परब्रह्म को हमको लक्षित करना होता है तो नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं, जब ईश्वर को बताना होता है भगवान को तो पुल्लिंग में बताते हैं, ये दोनों में बहुत बड़ा जो है श्रुतियों में हमारा लगातार ये प्रसंग है, जब ईश्वर का प्रतिपादन करना होगा तो पुल्लिंग में, और जब ब्रह्म की बात करनी होगी तो नपुंसक, ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग में है, तो तत् तत् माने वो, हरि ओम तत् तत् माने वो परमात्मा, मां अवतु हमारी रक्षा करे, अवत माने रक्षा करे, ओ परमात्मा मेरी रक्षा करें, फिर तद वक्तारम अवतु, आप किस लिए बैठे हो, सत्संग सुनने के लिए, यही तो वाणी और मन दोनों वेद को मेरे सामने प्रकट करें तो सत्संग सुनने के लिए,
तो वो परमात्मा मेरी रक्षा तो करे और पीछे से बाघ आवे बाबा जी को खा जावे महात्मा जी को खा जावे, तो फिर आप सत्संग कैसे सुनोगे भाई? जो वक्ता है अगर वो नहीं रहेगा तो कैसे सुनेंगे? तो अगली लाइन में है, तद वक्तारम अवतु, हे परमेश्वर वो हमारे वक्ता की भी ही रक्षा करें। देखो श्रोता हमारी भी रक्षा करें और हमारे वक्ता की भी ही रक्षा करें। इसी बात की पुनरावृत्ति है, इसी बात को रिपीट किया है, माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम, हमारी रक्षा करें और वक्ता की भी रक्षा करें। ओम शांति ही शांति ही शांति, तीन बार शांति माने तीनों तापों की शांति हो, भौतिक ताप, दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप, तीनों प्रकार के कष्ट की निवृत्ति हो। ओम शांति, यहाँ पर शांति शांति में उदात अनुदात का फर्क है, याद आया ना? ओम शांति शांति शांति, आखिर वाला ता उदात्त है। ज़्यादातर लोग एक भाव में सब जैसे सब धान 27 पसेरी, ऐसा नहीं चलता। अंतिम वाला ता उदात्त है और बीच वाले दोनों ता अनुदात्त हैं, है ना? ओम शांति शांति शांति, इस तरीके से जो है उच्चारण है, मंत्र पढ़ते हैं। ओम आत्मा वा इदमे कये वाग्रे आसीत्, नान्यत् किंचन मिषत, स इच्छत लोकान्नो सृजा इति। इस मंत्र के अंत में इति लिखा हुआ है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, इति है। इति माने ये अकेला मंत्र ही पूर्ण है, क्योंकि जब कभी हम पहले हमारा जो शास्त्र होता था वो लिखा हुआ तो होता नहीं था, जो शास्त्र होते थे वो किसी लिपि में तो लिखे नहीं रहते थे, गुरु लोग उसको पढ़ाते थे और शिष्य लोग सुनकर के उसको याद कर लेते। इसीलिए वेद का एक नाम है श्रुति, श्रुति माने जो श्रवण करके याद हो गया, फिर वो शिष्य गुरु बन जाता था, वो सुनाता था और उसके शिष्य लोग याद कर लेते थे। तो ये पढ़ते समय जब ओम आता था मतलब नया शुरू हो गया, अथ आता था तो नया शुरू हो गया, क्योंकि लिखा तो होता नहीं था। तो उच्चारण करते में पढ़ते जा रहे हैं, पाठ करते जा रहे हैं, हरि ओम शुरू हो गया नया, अथ आया मतलब नया परिचय शुरू हो गया, और इति आया, इति आता था तो एक प्रसंग का समापन हो जाता था। इस मंत्र के आखिर में इति आया है, होना चाहिए था उपनिषद के अंत में इति आना चाहिए था या अध्याय के अंत में आना चाहिए था, लेकिन पहले ही मंत्र के अंत में इति है, मतलब विचार के लिए ये एक मंत्र ही पूर्ण है। और इसी एक मंत्र की व्याख्या पूरी की पूरी आगे की उपनिषद है, ये है हमारा सूत्रभाष शैली। इस एक मंत्र में सूत्र रूप में सब कुछ बता दिया है, और नहीं समझ में आया तो इसकी व्याख्या फिर आगे का पूरा तीनों अध्याय पांचों खंड पूरा का पूरा आगे का प्रसंग है। ओम आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, एक एक शब्द तोड़ करके देखो, आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, आसीत माने था, अग्रे माने पहले, एव माने ही, इदम माने ये, यह आत्मा ही एक सृष्टि में सबसे पहले था। आत्मा ही सृष्टि में सबसे पहले था, ना अन्यत किंचन, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं था। मिषत, मिषत माने, मिषत माने क्रियाशील या अक्रियाशील, व्यापार करने वाला वा बिना व्यापार करने वाला, मतलब कार्य और कारण और कुछ भी नहीं था। आत्मा ही सृष्टि के सबसे पहले था, उसके अलावा कार्य कारण क्रिया या विक्रिया वाली कोई चीज नहीं थी। स इच्छत, उस आत्मा ने विचार किया, देखा क्या, लोकान नो सृजा, लोकों की सृष्टि की रचना करूं,
आत्मा। ओ, एक लाइन भाष्य में पढ़ता हूँ, आप लोग देखना। आत्मा की व्याख्या है, आत्मा शब्द की व्याख्या भाष्य में लगभग सभी के पास में है, जिनके पास नहीं है सुन लो। आत्मा शब्द की व्याख्या, आत्मा माने क्या? बोलचाल में सभी आदमी कह देगा आत्मा को शांति मिले। आत्मा शब्द की व्याख्या देखो, पूरा का पूरा मैं पढ़ता हूँ। आत्मा आपनोते अते अततेर वा, तीन अक्षर हैं यहाँ पे, तीन शब्द। आत्मा आपनोते अते अततेर वाह परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः अस्नायादि सर्वसंसार धर्मवर्जितो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो अजर अजह अजरः अमरो अमृतः अद्वयः। यहाँ तक। फिर मंत्र में आया है वा इदम, तो भाष में आ गया ना वा इदम, आगे वा इदम की व्याख्या। इतना अद्वयः तक आत्मा शब्द की परिभाषा है। आत्मा हम किसको कहते हैं? हाँ, अरे ऐसे आत्मा मत समझ लो, हमारी भाषा में आओ ना भाई। किसी भी विषय को पढ़ो तो उस विषय के जो प्रयोग किए जा रहे हैं शब्द, उसका अर्थ तो हम उसके अनुसार समझो ना। अब कोई इलेक्ट्रॉन कहे तो आप अपनी मर्जी से समझो, बोले नहीं। इलेक्ट्रॉन माने कौन सा? इलेक्ट्रॉन माने हाँ? क्यों? इलेक्ट्रॉन पाउडर घोल रोज पियो पिलाओ अब भाई किसी अब मान लो इसको बताओ कि इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थोड़े समझेंगे, वो तो कहेंगे हाँ इलेक्ट्रॉन वाला पैकेट आता है 2 रुपया का, घोलो और पिलाओ। तो अब उस भाषा को, उसी भाषा शब्द को उसके विशिष्ट अर्थ में हमको समझना पड़ेगा। हर शब्द की अपनी अलग परिभाषा होती है, हम सब को एक जैसे नहीं समझ सकते हम। तो आत्मा की परिभाषा हमारी, जब हमारे श्रुति ने वेद भगवान ने कहा आत्मा, तो ये है हमारी आत्मा की परिभाषा। कल हमने चार एक श्लोक, किसी को याद हुआ? किसी को याद हुआ? यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानैः यच्चापि संततो भावो तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते। यच्चा आप्नोति यद आदत्ते यच्चा अत्ति विषयान इह यच्चापि संततो भावो तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते। चार वहां पर परिभाषा दिया हमने आत्मा शब्द की उस जगह पर, कि ये है श्लोक। यच्चा उस भगवान भास्कर ने उसी के तीन शब्द लिया है, आपनोते अत्ते अततेर, वहाँ श्लोक में चार हैं और यहाँ पर भाष्य में तीन शब्द का उदाहरण दिया है, आपनोते अत्ते और अततेर। सबसे पहला शब्द ले लो, पहला आपनोते। आपनोते माने अपना आत्मस्वरूप कैसा है, तो उसके लिए सबसे पहला दिया कि जो सारे जगत को, सारे ब्रह्मांड को एक ऐसी स्थिति में जा करके समा लेता है और समा करके सुखी हो जाता है। कौन? सुसुप्ति अवस्था में प्राज्ञ। सुसुप्ति अवस्था में मैं हूँ, गहरी नींद में भी मैं हूँ, ऐसा मत कहना कि मैं उस समय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ गहरी नींद में। लेकिन गहरी नींद की अवस्था में एक मेरी स्थिति ऐसी है कि जितना भी हमारा दृश्य और श्रवण वाला विषय था, वो सब को मैंने अपने भीतर समा लिया और समा करके मैं सब कुछ उसी स्थिति में। हाँ, और आश्चर्य की सुसुप्ति में कभी किसी को दुख नहीं होता, चाहे जितना दर्द होता हो गहरी नींद आ जावे तो सुखी, चाहे जितना यहाँ मन विक्षिप्त हो जावे गहरी नींद आई गई तो सुखी। और हर आदमी जगने के बाद यही कहेगा, फ्रेश हो गया, बढ़िया नींद आई, बड़े सुख से सोया, दो घंटे बड़े सुख से सोया। वो 2 घंटे तक जो आपकी गहरी नींद थी, बिल्कुल गंभीर निद्रा वाली स्थिति, उस स्थिति में आप तो थे ना, आप थे।
और जैसे आप नोते का अर्थ होता है व्याप्त करना, आप नोते का सीधा सा अर्थ है व्याप्त करना। लेकिन जब हम कहेंगे व्याप्त करने का तो तुरंत मन के भीतर भ्रम पैदा हो जाएगा कि जैसे क्यारी को पानी ने व्याप्त किया, क्या खेत में क्यारी है उसमें पानी हमने लगा दिया, पानी ने व्याप्त किया। या जैसे घड़े को रंग ने व्याप्त किया, आपने ऊपर से कलर कर दिया, उसने तुम्हारी अलमारी को रंग ने व्याप्त किया। जैसे किसी एक चीज को कलर ने व्याप्त किया, वैसा कैसा व्याप्त करना, व्याप व्यापकत्व मिथ्यात्व। हाँ, व्याप्त किया तो कैसे, किस प्रकार से, उसके कई अर्थ हैं। या जैसे हमने आग लगाई घर में तो धुएं ने व्याप्त किया कमरे को, वैसा धुआं से व्याप्त तो हुआ। या हमने एक लोहे का गोला डाल दिया अग्नि में, हाँ लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया और लोहे का गोला बिल्कुल गर्म होकर के लाल भभूका हो गया और उसके बाद जैसे हमने छुआ जल गया, तो पूछा क्या किया, कैसे जले, तो हम कहते हैं आग के गोले ने हमको जलाया, आग के गोले ने। अब देखो यहाँ पर जो है दो चीज़ें मिली जुली बोल रहे हो आप। आग का कोई आकृति नहीं होती, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, उसकी आकृति नहीं होती। और लोहे, लोहा कभी किसी को जलाता नहीं, लोहे की आकृति है, बिना आकृति के लोहा टिक नहीं पाएगा, पृथ्वी तत्व है। अग्नि की कोई आकृति नहीं होती और हमने कहा कि लोहे का गोला हमको जला रहा है, इसका मतलब दो चीज़ें आप मिश्रित कर रहे हो कि लोहा जला नहीं सकता, अग्नि गोल हो नहीं सकती। तो हमने लोहे का गोला आग में डाल दिया और अग्नि लोहे के गोले में व्याप्त हो गई और उसको छूने से मैं जल गया। तो क्या जैसे लोहे के गोले में अग्नि व्याप्त है वैसे तरह तरह का है यहाँ पर। तो व्याप्त करने का अर्थ है, दो शब्द पर ध्यान देना, आनंदगिरी महाराज यहाँ पर लिखेंगे, मैं आनंदगिरी जी का शब्द पढ़ देता हूँ। व्याप्ति च उच्यते सत्ता स्फुरणाभ्याम सर्वम व्यापनोति इति, सत्ता स्फुरणाभ्याम। दो दृष्टि से हम कहते हैं वो सारे जगत में व्याप्त है, दो दृष्टि से। कौन सी, पहली दृष्टि है सत्ता, हाँ घट की सत्ता मिट्टी के कारण है। आप ये कहिए कि पूरा का पूरा घट मिट्टी से व्याप्त है, इसको मैं स्वीकार कर लूँगा, मैं स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि बिना मिट्टी के घड़े का कोई अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। हम मिट्टी निकाल लें और कह दें कि घड़ा ले जाओ, क्या बचेगा आपके पास में। तो उसकी सत्ता, घट की सत्ता मिट्टी के कारण है, घट की सत्ता मिट्टी के कारण है। ऐसे हम सब सारे जगत के प्राणियों की सत्ता जिसके कारण है, जिस तत्व के कारण सत्तावान है हम, अस्ति अस्ति ये बोध हो रहा है, वो सब में व्याप्त है। अब पक्षी भी सोचता होगा कि मैं हूं, हाथी भी सोचता होगा कि मैं हूं, सब तो यही सोचते होंगे ना, अहम अस्मि अस्मि मैं हूँ 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 हूँ, सत्ता की दृष्टि से सब में व्याप्त है। और दूसरे स्फुरणाभ्याम, सत्ता होवे लेकिन उस सत्ता का स्फुरण ना होवे तो हमको पता ही नहीं लगेगा, उसकी व्यक्ति ना होवे, स्फुरण ना होवे तो हमको पता कैसे लगेगा। अगर सुसुप्ति में ही आप हमेशा रह जाओ, मान लो पहले दिन सोया, फर्स्ट डे पहले दिन आप सोए और उस समय सत्ता थी, सुसुप्ति में सत्ता थी हमारी, बिल्कुल सत्ता थी, लेकिन उस सत्ता से सुसुप्ति से मेरा जागृत में नहीं आए, स्फुरण नहीं हुआ और सुसुप्ति में रह गए आप, तो आपको पता कैसे लगेगा कि मैं था मैं हूं। जब सुसुप्ति से मैं जग करके आया, स्वप्न में आया या जागृत अवस्था में आ गया, तब हम जागृत अवस्था में जग करके मैं कहता हूँ कि हाँ दो घंटे मैं बड़े आराम से सोया था। इस स्फुरणा के माध्यम से सत्ता का बोध होता है, इसीलिए सत और चित दोनों एक दूसरे के अन्योन पूरक हैं। हाँ, बिना चित के सत नहीं हो सकता, बिना चित सत के चित नहीं हो सकता, दोनों अन्योन इन दोनों का संबंध है। तो सत्ता स्फुरणाभ्याम, अगर सत्ता है तो उसका बोध स्फुरणा के कारण होता है, और स्फुरणा है इसका मतलब बिना सत्ता के स्फुरणा कभी हो नहीं सकती।
थोड़ा सा हाँ, यच्चा आपनोति। तो जब हमने ये कहा कि वो परमात्मा सब में व्याप्त है, तो जैसे कोई कहता है कि वो कण कण में व्याप्त है, भाव के लिए ठीक है, भक्ति के लिए वो ठीक है, भक्ति भाव के लिए ठीक है, लेकिन विचार की कसौटी पर कैसे है सत्ता इस प्रणाप्य। आप सत्ता की दृष्टि से देखो तो पत्ते पत्ते में वही सत्ता है, टूट गया पत्ता तो भी सूखा पत्ता है, जला दिया तो राख है तो ना अस्ति सत्ता। सत्ता और स्पुरणा की दृष्टि से वो जैसे जब आप कहो कि वो परमात्मा सारे जगत में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, ये बहुत बार लगातार यही सुनोगे, वो परमात्मा भगवान सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जब ये समझो इसका मतलब हुआ कण कण में कैसे व्याप्त हैं, तो किसी आकृति को लेकर के नहीं, आकृति को आधार बना के नहीं, हाँ, सत्ता और स्फुरणा के माध्यम, क्योंकि उसके बगैर हो ही नहीं सकता। तो जैसे सुषुप्ति में सारा का सारा उसी में समा गया, इसको हम बट के बीज के दृष्टांत दे देते हैं, जैसे पूरा का पूरा बरगद का जितना पत्ता है, जितने फूल हैं, जितना फल है, वो सब का सब इतने से बीज में ही था, समाया था, उसी प्रकार से यच्चा आपनोति, अपनी आत्मा ऐसा है, अपनी आत्मा बीज है, और उसी में अनंत कोटि ब्रह्मांड 14 लोक और सब का सब उसी में समाहित है। यच्चा आपनोति सुषुप्ति में, आपनोति सुषुप्ति के लिए। दूसरा है यच्चा आदत्ते, यच्चा आदत्ते, फिर स्वप्न जगत में बनाता कौन है, स्वप्न जगत में निर्माण कौन करता है सबका सब, आप लोग विचार करो कभी। यहां पर आप कह सकते हो कि हाँ इस पेड़ को मैंने लगाया, स्वप्न जगत में जो पेड़ बना, स्वप्न जगत में सपने में जो नदियां बनी, उसको किसने बनाया, यच्चा आदत्ते, आदत्ते माने सब को निर्माण करके उसी के बीच में बैठा हुआ है, सब कुछ बना करके, सब कुछ को बना करके और उसका आनंद लेता है, मौला खेल करे सब आप। तो ये आत्मा वो है कि जो सारे ब्रह्मांड को स्वप्न में बना करके, स्वप्न के जैसे जागृत में वो बताना है, तो सारे ब्रह्मांड को स्वप्न में बना करके, सपने में पांचों महाभूत होता है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांचों महाभूत होते हैं, ऐसा मत कहना नहीं होता है। स्वप्न में हमारा दुश्मन भी होता है, सामने खड़ा होता है, और स्वप्न में हमारा मित्र भी होता है, सपने में होते हैं शायद सब, नहीं होते, सपने में शेर नहीं देखा, सपने में तुम मरे नहीं कभी, जिसको मैं मर गया हूँ ये सपना नहीं दिखाई पड़ा, उसको आत्मा का बोध थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आत्मा को जानना है तो पहले सपने में ये देखो कि हाँ मैं मर गया हूँ, लोग मुझको लिए चले जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, चार लोग रो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ क्यों रो रहे हैं सब, ये मैंने देखा इसलिए कह रहा हूँ, हर आदमी को अपना अपना अपने अनुभव सही लगता है, मैंने देखा है तो मुझको वही लगता है कि जिसको सपने में अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं होगा, वो जागृत अवस्था में देह से अलग मैं हूँ ये जल्दी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे लिए दृष्टांत स्वप्न जगत ही है। पिताजी ने भी देखा था, एक बार बता रहे, देखा था हाँ। लगभग बहुत लोगों का कि हाँ कि मैं पेड़ से गिर गया, या मैं वैसे शेर पीछे दौड़ रहा था, पहाड़ से कूद पड़ा मैं भागते भागते और मर गया, फिर उसके बाद जो है शेर और इकट्ठा हो गए खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तो अपने मृत्यु का स्वप्न जगत में निर्माण करने वाला कौन, यच्चा आदत्ते, आदत्ते जो सारे स्वप्न का निर्माण करते, जैसे स्वप्न में वैसे इस ब्रह्मांड में भी, ये समझाना है। तीसरा हाँ, यच्चा आपनोति यद आदत्ते यच्चा अत्ति, यच्चा अत्ति, अत्ति माने भोगना, अत्ति माने खाना, अत्ति माने खाना, इसी धातु से, इसी धातु से अत भक्षणे, अत भक्षणे एक धातु है, उसी से अन्न शब्द बनता है, उसी से अत्ति शब्द बनता है, उसके लकार में फर्क करके, आद भक्षणे धातु है, आद भक्षणे दामे हलंत,
खाने के अर्थ में, उसी धातु से ये अति शब्द बनता है। इस जागृत अवस्था में इन सारे विषयों का जो भोग करता है, यच्चा अति जागृत अवस्था में एक एक विषयों का भोग करने वाला कौन है? अरे इस शब्द को मैंने सुना बड़ा अच्छा लगा, इस संगीत को हमने सुना बहुत अच्छा लगा, इस हमने भोजन को खाया बहुत अच्छा लगा, इस मैंने रूप को देखा बहुत अच्छा लगा, ये गंध मैंने सूंखी बहुत अच्छा लगा, ये भोगने वाला कौन है भीतर? अरे चाहे मेरे भीतर भोगे चाहे सुअर के भीतर भोगे, भोगता तो कोई ना कोई एक है ना। ये सारे जगत में जो सारे जगत का निर्माण करके और भीतर बैठ के भोग रहा है अति, वो है आत्मा, समस्त जगत का भोक्ता आत्मा। सारे अब देखो यहाँ तीनों अवस्थाएं हो गई, आपनोति माने सुसुप्ति अवस्था, आदत्ते माने स्वप्नावस्था और अति माने पूरे जागृत अवस्था का भोग करने वाला। अरे सीधी सी बात है, पहले मैं हूँ ठीक है, फिर उसके बाद मैं जिंदा हूँ पता लगा, तब मैं भोग रहा हूँ फिर सुखी हूँ, अब मैं खा रहा हूँ, अब मैं पी रहा हूँ, अब मैं सुन रहा हूँ। पहले हूँ सत्ता, फिर स्फुरणा, मैं जग गया हूँ, फिर अब लाओ मुझको चाय पिलाओ। चाय पीने लगे तो बहुत बढ़िया चाय बनी, हाँ, लेकिन चाय पीने के पहले, भोगने के पहले होना था कि मैं हूँ और मैं जगा हूँ। हाँ लो मैं हूँ और सपना देख रहा हूँ और चाय पिलाओ। कोई आदमी कोई बच्चा बढ़िया सपना देख रहा हो कि मैं राजा बन गया हूँ, बड़ा ठाठ बाठ है मेरे चारों तरफ, सोने चांदी का सिंहासन, फौज फाटा, सब लोग सेवा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया इत्र गुलाब से सेवा हो रही है, और उसी समय मम्मी कहें, हाँ कोई परिवार वाला कहे लो उठो चाय पी लो, और सपना तोड़ दे। महाराज एक बार तो दिल धक्क से करता है, भाड़ में जावे तेरी चाय, अभी मैं राजा बना था, इतना बढ़िया सपना वहाँ पर और तुम्हारी चाय के कारण, तो अब वहाँ पर चाय का सुख नहीं मिल सकता। स्फुरणाभ्याम, पहले जगना पड़ेगा उसके बाद, तो सत्ता स्फुरणा ये दो शब्द पर हमेशा ध्यान रखना है। तो स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, अंतिम आत्मा शब्द का अंतिम अर्थ है यच्चापि संततो भावो, नीचे की लाइन है यच्चापि संततो भावो तस्माद् आत्मा इति कीर्त्यते, यच्चापि संततो भावो, बिल्कुल स्पष्ट है संततो भाव माने। अब हमने एक एक अवस्था करके बताया कि सुसुप्ति अवस्था में जो सत्ता रूप से था, स्वप्न अवस्था में जो सब निर्माण करके भोग कर रहा था, जागृत अवस्था में जो सारे जगत का अनुभव करके सुखी हो रहा था, अब ये तीनों अवस्थाओं में भोग करने वाला प्राग्ञ, तेजस और विष, इन तीनों के मूल में एक सत्ता है संततो भाव, इन तीनों के आधार पर एक सत्ता है। कैसे? जैसे एक महामत्स्य, कोई बहुत बड़ा मछली, कोई बहुत बड़ी मछली कभी नदी के उस तट पर जाती है वहाँ सुख लेती है, कभी नदी के दूसरे तट पर जाती है वहाँ सुख लेती है, कभी बीच में सुख लेती है, लेकिन वो महामत्स्य एक ही है। ऐसे ही ये आत्मा ये जो तीन अवस्थाओं में जाके भोग कर रहा है, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, ये तीन नहीं है बल्कि ये एक ही है। ये तीन भोग की अवस्थाएं हैं, कभी जागृत में आके भोग किया, कभी सपना बना के सुखी हुआ, और कभी सबको अपने भीतर समा करके सुखी हुआ। ये तीन नहीं है बल्कि एक ही है। इस आत्मा का संततो भाव, निरंतर इसका भाव समाया हुआ है, इसलिए हम आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ है संततो भाव, जिसका कभी उच्छेद नहीं है, जिसमें निरंतर उसका अस्तित्व बना हुआ है, उसको हम कहते हैं आत्मा। ये है आत्मा शब्द की परिभाषा, खास करके ये श्लोक आप लोग थोड़ा चिंतन करना बैठ करके, अब तो श्लोक याद हो गया होगा। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चा अति विषयानैः यच्चापि संततो, पढ़ लो मिल गया तुमको ना, पढ़ लो देखा ढूंढ डाला
चाह होनी चाहिए। तस्माद आत्मा, इसलिए हम उसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा शब्द का ये मूल रूप से चार उसके अस्पष्ट भाव दिया। भगवान भाष्यकार में आत्मा शब्द के तीन शब्द को लिया, आत्मा आपनोते है, अत्ते है, अततेर वा। हाँ, आप तीनों में से कोई भी अर्थ ले लो, वा माने कोई भी अर्थ ले लो। आपनोति सबको व्याप्त करता है, अति सब कुछ बना करके स्वप्न के जैसे आनंदित होता है, अततेर या सब में विराजमान होकर के अनुसूत होकर के सबका आनंद लेता है। चाहे जिस तरीके से समझो, आत्मा एक है, वो तीनों अवस्थाओं में एक है। अच्छा, कैसा है आत्मा? पाराहा, पाराहा, पाराहा माने, परह का अर्थ होगा सीधा सीधा, परह माने इस जगत के नाम रूप की दृष्टि से समझने की कोशिश मत करना। अगर आप इस जगत में जो नाम रूप चीज दिखाई पड़ता है उसके हिसाब से समझने का प्रयास करोगे तो नहीं समझ में आवेगा, वो पर है, आपकी बुद्धि के परे है, नाम के परे है, रूप के परे है, आपके व्यवहार के परे है, आपके गुण के परे है, आपके कर्म के परे है। परे माने इससे बहुत ऊपर, आपकी समझ से थोड़ा ऊपर, जितना समझ सकते हो उसके बियॉन्ड, बहुत ऊपर। परा अपना आत्मा, जैसे कभी किसी को कहा तुम आत्मा हो, हाँ महाराज मैं समझ गया मैं आत्मा हूँ, मैं समझ गया। मैं कहूँगा जो समझ गए उसके परे आत्मा है, क्योंकि जिसको तुम कह रहे हो कि मैं समझ गया वो अपने अहंकार को कह रहे हो। हाँ, देह उपहित चेतन को ही कह रहे हो, जीवात्म भाव को ही आपने समझ लिया कि मैं ही आत्मा हूँ। जिसको कल तक कहते थे मैं पापी, जिसको कल तक कहते थे मैं पुण्यात्मा, अब गुरु जी ने कहा तुम आत्मा हो, तो उसी को अपने तुमने समझ लिया आत्मा। तो हमको कहना पड़ेगा नहीं, जिसको तुमने आत्मा समझा उसके परे, उसके परे, क्योंकि वो बुद्धि की कटोरी में आने वाला नहीं है। अच्छा, फिर आत्मा परा है तो आगे सर्वज्ञ। भाष्य के एक एक शब्द पर देखो, सर्वज्ञ। अगर कोई चीज बहुत परे है तो है कैसा? बोले सर्वज्ञ है। हाँ, सर्वज्ञ कैसा होगा? हाँ, जैसे हम अपने पूरे घर को जानते हैं, हम अपने पूरे घर को जानते हैं कि हमारे कौन से कमरे में कौन सा सामान रखा है। अरे आप नहीं, अपने घर के भी सर्वज्ञ नहीं हो आप। अगर आपको, आप ये कहो कि मैं अपने कमरे का सर्वज्ञ हूँ, तो आपके कमरे में कोई चीज़ रखी है और बच्चा आवे चुपके से उस चीज़ को निकाल ले जावे, तो आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि वो चीज़ वहाँ से पता लगता है। हा? अरे महाराज फिर ढूंढना शुरू हो जाओ, मैंने रखी तो कहाँ गया, मैंने रखी तो कहाँ गया, कौन उठाया यहाँ से, किसने छुआ मेरी चीज़ को, आपके कमरे में पता चल जाता है आपको। हाँ, अगर सर्वज्ञ हो तो उसी क्षण, तो एक एक चीज को जो जानने वाला वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। एक एक चीज को, मैं इस चीज को जानूं, इस चीज को जानूं, इस चीज को जानूं, इस चीज को जानूं, तो अगर किसी ने कहा भगवान सर्वज्ञ है तो हमको लगता है ठीक है, वो चींटी के मन की बात जानते होंगे, गधे के मन की बात जानते होंगे, हमारे मन की बात जानते। बोले बुद्धू ऐसे सर्वज्ञ नहीं है, इस तरीके के सर्वज्ञ का अर्थ नहीं है, ऐसा सर्वज्ञ नहीं होता। सर्वज्ञ माने अधिष्ठानत्वेन सर्वज्ञ, अधिष्ठानत्वेन सर्वज्ञ, सत्ता स्फुरण की दृष्टि से सर्वज्ञ। जैसे घट की सत्ता मिट्टी है, तो आप कह सकते हो घड़े की एक एक चीज को जानने वाला मिट्टी है सत्ता की दृष्टि से। उस सत्ता के, हाँ, सत्ता केवल केवल सत्ता कह दोगे तो जड़ हो जाएगा, और जड़ चीज हो जाएगी तो किसी चीज को जानती ही नहीं, ना खुद को जाने ना दूसरे को जाने। इसलिए टीकाकार ने कहा सत्ता स्फुरणाभ्याम, सत और चित। केवल आप कह दो, जैसे हमने एक दृष्टांत दिया कि जैसे घड़े को, घड़े की सत्ता मिट्टी के कारण है, लेकिन एक बात हो जाएगी कि मिट्टी जड़ है, तब कहेंगे नहीं आप यहां थोड़ा और बदल जाओ। घड़े का अधिष्ठान मिट्टी है, लेकिन आत्मा ऐसा मिट्टी के जैसा नहीं है। आत्मा जैसे घड़े का अधिष्ठान है, ऐसे सारे ब्रह्मांड की सत्ता आत्मा से है, लेकिन आत्मा जड़ नहीं है बल्कि ही चेतन है।
अब बताओ अधिष्ठान अगर चेतन होवे तो वो एक एक चीज को जानेगा। अधिष्ठान अगर चेतन होगा तो एक एक चीज को, अब थोड़ी देर समझो जरा सा एक दृष्टांत में। पूरे शरीर का अधिष्ठान मेरा अहम है, थोड़ी देर के लिए अहम के कारण शरीर की सत्ता है, अहम के कारण शरीर की सत्ता है। तो हमारे शरीर में कहां पर क्या क्या हो रहा है, कहां दर्द हो रहा है, कहां कष्ट हो रहा है, पहले हमको पता लगता है। आप डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर भी पूछेगा क्या हुआ, आप कह दो आप खुद ही समझ लो आप खुद ही समझ लो। तो कई बार लोग बैनर लगाते हैं हमारे वैद्य जी नाड़ी देख करके खुद बता देते हैं हाँ क्या बीमारी है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं, और बस इसी पर सारे लोग खौस ले जाओ महाराज जितना ले जाना हो। और लोगों को पता नहीं आजकल के समाज के लोग इतने भ्रमित हैं, अमुक रोग हो गया है वो एक पुड़िया देते हैं उस पुड़िया से ठीक हो जाएगा। हमारा घुटने में दर्द हुआ तो हमको बहुत सारी पुड़ियाएँ मिली एक दो नहीं, वो बैज एक पुड़िया देते हैं, बस दो ही चार पुड़िया से आराम हो जाता है महाराज। और सब नासमझी की बात है, हम लोग उसको मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। वो पुड़िया नहीं बल्कि उसमें स्टेराइड होता है, वो स्टेराइड होता है, एक दवाई होती है स्टेराइड, स्टेराइड दवाई दे दी जाती है तो मर्ज ठीक नहीं होता, लेकिन मरीज खुश हो जाता है कि मैं ठीक हो गया, गुड फीलिंग, क्या हो ऑल इज वेल वो मरीज को लगने लगा मैं ठीक हो गया, थोड़ा दर्द पता नहीं लगेगा दर्द का, उसको लगने लगा मैं ठीक हो गया। डॉक्टर लोग स्टेराइड तब देते हैं कि धीरे धीरे बाय नेचर शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। मरीज को जो हाय हाय मचा रहा है हाय हाय ना मचावे, 10 दिन 15 दिन स्टेराइड दे दो इसको, स्टेराइड खाता रहेगा और 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना खाता रहेगा और मरीज को लगेगा कि मैं ठीक हूँ। लेकिन वो प्रकृति शरीर की प्रकृति अपने आप धीरे धीरे 10-15 दिन में ठीक, उसके बाद फिर स्टेराइड को धीरे 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 कम कर देंगे, है ना, ऐसे होता है। लेकिन बहुत नुकसानदेह होती है, ऐसी चीज़ अच्छी नहीं होती। तो अगर मेरे शरीर में कोई चीज़ हो रहा है तो सबसे पहले मेरे अहम को पता लगता है, शरीर का अधिष्ठान मेरा अहम सर्वज्ञ है, ऐसे सारे ब्रह्मांड का वो अधिष्ठान सत्ता की दृष्टि से स्फुरणा की दृष्टि से सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मत कहना प्रभु आप तो मेरे मन की बात जानते हो पूरा कर दो, भगवान कहेंगे मैं क्यों जानू तेरे मन की बात, तेरा मन है तू जान। ऐसे एक एक मन की बात जानने लगूं और मैं पूरा करने लगूं तो मेरा यही काम रह गया फिर ऐसे कोई भगवान भगवान पूरा नहीं करते। हाँ तेरे मन की सत्ता मैं दे रहा हूँ, तेरे मन की सत्ता मैं दे रहा हूँ, तेरे मन में जो स्फुरणा की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, वो शक्ति मेरी है, लेकिन तेरे मन में किस प्रकार की वृत्ति चल रही है इसका ठेका मेरा नहीं है, वृत्ति का ठेका नहीं है, लेकिन स्फुरणा की शक्ति मेरी है, सत्ता मेरी है। दो शब्द पर ध्यान है ना, सत्ता और स्फुरणा। इस दृष्टि से भगवान आत्मा सर्वज्ञ है। अब देखो सर्वज्ञ आप भगवान को कहोगे, उपनिषद कह रहा है भगवान नहीं बल्कि आत्मा सर्वज्ञ है, है ना, आत्मा को जब हम कहते हैं तो आत्मा ही सर्वज्ञ है। हाँ परा सर्वज्ञ, तो अपनी आत्मा सर्वज्ञ परा है सबके, सर्वज्ञ है और कैसा है, सर्वशक्ति। वैसे यहां पर होना चाहिए था सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमत, काटपीट मत करना भाष्य में। हाँ अभी मैं इतना पढ़ नहीं लिया आप लोग इतना कि सब भाष में उसमें बिंदी लगा दो ना। हाँ वही मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय लगता है तो शक्तिमान शब्द बन जाएगा, शक्तिमान, शक्तिमत, श्रीमत, शक्तिमत, शक्तिमान। तो तब इसका भाव पूरा स्पष्ट होता है, जैसे भाई मैं हूँ और मेरे आँखों में देखने की शक्ति है, मैं हूँ मेरे कानों में सुनने की शक्ति है, लेकिन जब आप कहते हो शक्तिमान तो इसका मतलब हुआ कि एक आप हो और आप एक शक्ति को धारण करने वाले हो, द्वैत का बोध हो जाएगा।
शक्तिमान कहते ही, शक्तिमान कहते ही आपके भीतर द्वैत की ध्वनि आ गई कि आप हो और आपने एक शक्ति को धारण कर लिया तो आप हो गए शक्तिमान, आप हो गए शक्तिवान, धनवान हो गए, ज्ञानवान, बुद्धि को धारण कर लिया तो ज्ञानवान हो गए, तो द्वैत का बोध हो गया। तो भगवान भास्कर लगभग अपने भाष्य में जहां प्रयोग करेंगे वहां सर्वशक्तिमान नहीं लगाएंगे, बाद में लोग और सर्वशक्तिमान कहना शुरू कर देंगे, ओ परमात्मा सर्वशक्तिमान है। भगवान भास्कर कहते नहीं, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान कहते ही द्वैत हो गया कि शक्ति अलग है और शक्ति को धारण करने वाला अलग है, समझ में आना चाहिए बात। तो भगवान भास करते हैं सर्वशक्ति ही, सारी शक्ति उसी की है। अब लोग अब समझो भाव, ये है भाष्य की महिमा, सर्वशक्ति ही, जितनी शक्ति है वो सब, हाँ, और अगर प्रकृति में भी शक्ति है तो किसकी, अपनी आत्मा की। आत्मा कैसा है, पराः सर्वज्ञः सर्वशक्ति, ऐसा सुंदर सुंदर शब्द है महाराज। अब दिन रात चिंतन करो इसी पर, एक एक कर, ऐसा क्यों कहा, ऐसा समझने से क्या लाभ होगा, ऐसा नहीं समझेंगे तो क्या हानि होगी, चिंतन करते जाओ, सर्वशक्ति ही। अच्छा, अब दोनों तरीके से बताना चाहिए ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों तरीके से, विधेयात्मक और निषेधात्मक। अब निषेधात्मक दृष्टि से बताते हैं, असनायादि वर्ज, असनायादि सर्व संसार धर्म वर्जिता, संसार सर्व संसार धर्म, संसार के जितने धर्म हैं, जितने व्यवहार में होते हैं, कहां से शुरू हुआ, शुरू कहां से हुआ, असना से, भूख से। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले बच्चे को भूख लगी, अस्पताल में दाई ने, डॉक्टर ने जो है बच्चे के मुंह में स्तन दिया, वहाँ से शुरू हुआ हमारे जीवन की कहानी। हाँ, और उसके बाद फिर खाते जाओ खाते जाओ, और फिर खाते गए, ताकत आती गई, तो फिर दूसरा काम करते गए, फिर खाते गए इकट्ठा करते गए, खाते गए इकट्ठा करते गए, फिर दूसरे को नाश करते गए, लड़ते गए, ये सारे संसार के धर्म हिसाब लगा लो। लेकिन शुरू हुआ असनाया, असनाया माने भूख से, भूख से, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, घटना, बढ़ना, हानि, लाभ, सुख, दुख, ये सब, सर्व संसार धर्म वर्जिता, आत्मा में कुछ भी नहीं वर्जित है, आत्मा में भूख नहीं है, आत्मा में प्यास नहीं, आत्मा में जरा नहीं, आत्मा में घटना नहीं, आत्मा में मृत्यु नहीं, आत्मा में सर्व संसार धर्म, आत्मा में आना नहीं और आत्मा में जाना नहीं, क्या बढ़िया बात, आत्मा कहीं आती नहीं, आत्मा कहीं जाती नहीं। तो महाराज आत्मा फिर है कैसे, आप जरा सा तो बताओ कैसे है आत्मा, सारे संसार हम जितना कुछ समझते हैं सब आप कहते हो, सारे संसार वाला जितना कहते हो वो नहीं है आत्मा, तो कैसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव का मतलब हुआ जिसका यही स्वभाव है, संस्कार नहीं है, संस्कार में बाहर से हम गुणों का आदान करते हैं, हाँ, जैसे शरीर तो है गंदा, बाहर से जल छिड़का कि पवित्र हो जाओ, पवित्रा पवित्र हुआ, तो संस्कार का हो गया आदान, इसका नाम हो गया संस्कार। घट गंदा है, हमने ऊपर कलर कर दिया तो हो गया संस्कार, आदान हो गया, ये उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन आत्मा का स्वभाव कैसा है, कहा कि स्वभाव है वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। मेरी आत्मा एक दिन ज्ञान पा के मुक्त हो जाएगी, बोले पागल आदमी, अगर तेरी आत्मा एक दिन ज्ञान पा के मुक्त हो जाएगी तो दूसरे दिन अज्ञान पा के बंधन में भी ही पड़ जाएगी, मुक्त होवेगी नहीं, मुक्ति उसका स्वभाव है, हम नहीं जानते ये बंधन है, हम जैसा है अपनी आत्मा वैसा नहीं समझते, उल्टा समझते हैं आत्मा को, अपने आत्मस्वरूप को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, ये है समस्या आपकी। आत्मा को मोक्ष नहीं देना होना, आत्मा की मुक्ति नहीं होती कभी भी नहीं, क्योंकि आत्मा का मोक्ष और जो मिलता है सो बिछड़ेगा, बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है,
अगर मोक्ष मिलेगा तो मोक्ष एक दिन चला भी जाए। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, स्वभाव है आपका ये, आप ऐसे हो। अरे आप नित्य हो, आप बुद्ध माने, बुद्ध माने जगे हुए हो, जग गए हो अपने स्वरूप में, मैं आत्मा हूं, मुक्त हो। अच्छा फिर थोड़ा सा गंदगी तो आ गई है ना, पाप तो लगे, बोले नहीं शुद्ध हो, परम शुद्ध हो, आपकी आत्मा तो परम शुद्ध, कहां कौन सा लिपायमान है, ये आपका स्वभाव है। अरे आजा, आपका जन्म ही नहीं हुआ, जिसका जन्म होवेगा वो लिपायमान होगा ना संसार से, आपका तो जन्म ही नहीं हुआ, आप तो आत्मा हो। शरीर का जन्म हुआ होगा तो शरीर में गंदगी लगी होगी, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का जन्म ही नहीं। आजा रा, आप बुढ़े हो गए कि नहीं, शरीर हाय हाय, ये ज्ञानी लोग देखा अभी नहीं कहेंगे मैं बुढ़ा हो गया, शरीर बुढ़ा हो गया, मैं आप आत्मा हो, आप तो आप बुढ़े हो ही नहीं सकते। अमरा, कुछ भी कहो एक दिन मर तो जाओगे तुम, सब चला चली का खेल है, राजा जाएगा रंक जाएगा, एक सिंहासन चढ़ चले, क्या है इसे, एक बंधे, मरोगे तो एक दिन, मरोगे कि नहीं, पक्का है ना, पक्का मरोगे ना, देखा देखा, अभी अमरा जो मरेगा वो शरीर को अपना समझ रहा है, शरीर ही मैं हूं, क्योंकि शरीर मरेगा, और हम बात कर रहे हैं आत्मा की, आत्मा कभी मरती नहीं, ये उसका स्वभाव है। अमृत, देखो दो बार का अमरा अमृत, ये दो शब्द आया है, और दो शब्द के कारण फिर भगवान भाष्यकार के शब्द पर फिर टीका आएगी, क्योंकि अमरा जो मरता नहीं, अमृत जो जो कभी मरा ही नहीं, ये मतलब आपका कभी पुनर्जन्म भी नहीं हुआ है, कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि पहले कभी मरे नहीं हो। अगर पहले कभी मरे होते तो जन्मते, फिर पूछा कौन जन्मा मरा, बोले जीव जन्मा मरा था, आत्मा नहीं, आप तो आत्मा हो, ना आगे मरोगे अमरा हो, और ना पहले कभी मरे थे। हाय हाय, आप ऐसी आत्मा, ऐसी आत्मा को भूल करके कहाँ भटक रहा था मैं ये संसार के तमाम नाम रूपों में, हो कैसे, अद्वय, अद्वय हो, आपके जैसा कभी कोई हुआ ही नहीं, यूनिक हो आप, बिल्कुल आप बिल्कुल यूनिक हो, आपके जैसे न कोई हुआ है और न कभी हो, यूनिक आईडी है, बिल्कुल हो। हाँ, अब वो अंगूठा का छाप, आंख की रेटिना, उसके, अरे मैं आत्मा से कह रहा हूं आप यूनिक हो। उसको लोग समझते नहीं, कह सकते हो महाराज क्या छाप लेना, मेरे जैसा न कभी कोई हुआ है न कभी होगा, मैं बिल्कुल एको हम। हाँ, नान्यत किंचन, कुछ भी नहीं था मेरे अलावा, कुछ भी नहीं, आप ऐसे अद्वितीय कहाँ बोल कर। अच्छा, जब आप ऐसे हो बिल्कुल अद्वितीय, तो दूसरे के जैसे बनने की कोशिश क्यों करते हो। सबसे ज्यादा समस्या है कि हर आदमी अपने अपने अस्तित्व में रहने के लिए तैयार नहीं, दूसरे के जैसे बनना चाह रहा है, वो बड़ा आदमी उसके जैसा बन जाऊं, वो ज्ञानी आदमी उसके जैसा बन जाऊं, वो ऐसे कपड़े पहनता ऐसे पहन जाऊं। हमारे गुरुदेव, गुरुदेव पहले नेति धोती करते थे, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ा गया मामला, श्वास का मामला गड़बड़ा गया, और गड़बड़ा गया तो पानी ब्रेन पर चला गया, वो योगा में पानी ब्रेन में चला गया, और उसके बाद फिर साइनस की उनको हाँ बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई, अब प्रवचन में फिर समस्या होने लगी। तो गुरुदेव को किसी ने बताया कि एक लाल लाल कोई स्नप होती है, अगर उसको जब नाक फंस जावे, साइनस में लगातार होता है फंस जाती है, तो सूंघ लो तो साफ हो जाएगी। तो गुरुदेव वो रखते थे प्रवचन के बीच में, डिब्बी निकाला जैसे कुछ लगा तो डिब्बी निकाला, सूंघते थे स्नप। हम लोगों को शुरुआत में बड़ा अजीब सा लगा पहली बार जब देखा तो,
ओ हमारे उत्तर काशी के आश्रम के महंत थे गोपीनाथ चैतन्य महाराज उत्तर काशी के जो है उजेली के आश्रम के तपोवन कुटी के उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहाँ पर मैंने उनको भी देखा उनसे मैंने एक ग्रंथ पढ़ा तो जब उनके पास मैंने कईयों से पढ़ा क्या क्या बताऊँ मैंने, हाँ सुबोधानंद जी ने हमको मुंडक उपनिषद पढ़ाया, सुधांशु चैतन्य जी ने तैतरीय उपनिषद पढ़ाया, गुरुदेव ने पूरी विवेक चूड़ामणि पूरी गीता पढ़ाई, कोई कई लोग पढ़ाए नाले, स्वामी रामानंद जी से हमने पंचदशी पढ़ी, स्वामी वामदेव जी से खंडन खंड खाद्य पढ़ा, तब पढ़ने का तो हाँ। तो अब वो गोपीनाथ से मैंने पढ़ा, जब उनसे पढ़ा एक ग्रंथ तो देखा मैंने वो बीच में निकालें और बिल्कुल गुरुदेव की स्टाइल में तो, अब ये नकल करने की बात आप कहो तुम तो बिल्कुल अपने आप में अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, फिर दूसरे की नकल करने की जरूरत क्या। लेकिन शिष्य लोग कभी कभी नकल करते हैं, गुरु जी ऐसे बैठते हैं, गुरु जी ऐसे आते हैं, गुरु जी ऐसे घड़ी उतार के रखते हैं, घड़ी वाली तो नकल देखी मैं बता रहा ना, गुरु जी ऐसे घड़ी उतार के रखते हैं, फिर गुरु जी ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऊपरी नकल करेंगे तब तो अंदर पहुंच पाएंगे। अब चाहे जैसे समझ लो, अरे आप अद्वितीय हो, आप यूनिक बनो, आप अपना नया रास्ता बनो, आप दया हा, आप आत्मा हो, आपके जैसा कभी कोई हुआ नहीं है, आप वो आत्मा हो, अपनी आत्मा को जानो और अपने स्वरूप में निष्ठ रहो। क्या आनंद है महाराज, यहाँ पर आज हम लोग समाप्त, आत्मा शब्द की व्याख्या यहाँ तक पूरी होती है। एक शब्द वेद में एक शब्द है आत्मा, अभी हम आत्मा पर ही टिके थे, आत्मा आत्मा शब्द की व्याख्या यहाँ पर भाष्यकार ने पूरा किया अद्वयः पर। वेद में जो दूसरा शब्द है वा इदम एकम अग्रे इनकी व्याख्या हम लोग कल विचार करते हैं, आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है, मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है, हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है, यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है, भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली।